सहना भवतु सहनो भुनाक्तु सहवीरियम करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 नमस्ते अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथ आफ्टर दिस फ्रॉम हियर व्हाट इज फाइंड इट ब्रह्म की जिज्ञासा डिजायर टू नो जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा ब्रह्म के बारे में इंक्वायरी करना वो ब्रह्म क्या है कैसा है है नहीं है ये इसका सब्जेक्ट मैटर है तो जिज्ञासा का जो यहाँ स्पिरिट में, स्पिरिचुअल मीनिंग है मतलब लिटरली मीनिंग नहीं जो उसका भाव है वो है मीमांसा हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे वो ब्रह्म क्या है क्या नहीं है पहली बात है जिज्ञासा क्यों उठी वो जो इंक्वायरी हुई डिजायर हुआ जानने की हो सकता है आप कहेंगे किसकी डिजायर हो सकता है करोड़ों लोगों की डिजायर ना हो पर जानने की इच्छा तो गिने चिने लोगों की होती है ना <Cases> ये जो आज दुनिया में इतना एंजॉय करते हैं जो टेक्नोलॉजी का साइंटिफिक डेवलपमेंट का ये थोड़ी मास डिजायर इंक्वायरी कर रही थी कि ये एसी कैसे बनेगी क्या किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता वो तो गर्मी में भी ठीक है अपना काम चलाव कर लेते हैं समझदार लोगों को लगा नहीं गर्मी से छुटकारा पाने का कुछ उपाय ढूंढा जाए वो कुछ गिने चुने होते हैं ना अरे वो गिने चुने लोग जिज्ञासा करते हैं फिर वो मीमांसा करते हैं फिर डेलीब्रेट करते हैं फिर उसका सुख आप भोगते हो घर में आपके पंखे हैं, एसी हैं वगैरह वगैरह, है तो हमेशा जो डिजायर टू नो तो काम लोग करते हैं मास्क को क्या पड़ता है खाओ खे खाना दो कपड़े दो रहने के दो नाचने गाने के लिए एंटरटेनमेंट दो दैट्स इट वो तो, तो तो जिन लोगों के अंदर जिज्ञासा हो ही जानने की वो क्यों होती है जिज्ञासा क्योंकि जिन्होंने देखा वास्ट यूनिवर्स है हुँ? और फार एक्सटेंडिंग है इतना वेल हाईली डिजाइंड है ये जो यूनिवर्स है और ऐसा लगता है कि मोस्ट पर्पसफुली और डिजाइंड है क्योंकि हर चीज इस दुनिया में जो आपको सुपरफिशियली लगता है तो ऐसे ही होगा पर दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड इतना वास्ट यूनिवर्स वेल कनेक्टेड वेल ऑर्गेनाइज इनमें से एक चीज को भी आप निकाल देते हो तो सिस्टम कोलाप्स कर सकता है बिल्कुल वैसे जैसे मैन मेड सिस्टम होता है मैन मेड कॉर्पोरेट सेक्टर या फैक्ट्रीज होते हैं मशीन होते हैं आपका कंप्यूटर कितनी बारीकी से डिजाइन किया गया है कितनी सोफिस्टिकेटेड है पर इसमें एक पार्ट अगर मिस हो जाए कुछ हो जाए तो पूरा कंप्यूटर काम नहीं करता क्योंकि जितना ज्यादा बढ़िया डिजाइनिंग होगी वेल well ऑर्गेनाइज होगा उसमें उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी होंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशन है तभी आप इसको आसानी से यूज कर पाते हैं ये सेलफोन आप बड़े इजीली यूज कर पाते हैं क्योंकि अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है जितना कॉम्प्लिकेशन होगा उतना ऊपर से आपके लिए सुख देने वाला जितना इजी टेक्नोलॉजी होगा ऊपर से उतना काम चला होगा है ना तो दुनिया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तभी आप इसको एंजॉय कर पाते हो तो जिन लोगों को लगा ये ऑर्गेनाइजेशन ये कॉम्प्लिकेशन ये वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स एक दूसरे से वेल कनेक्टेड कितनी हारमोनी है उनको लगा ये क्यों है ऐसा फिर पता चला कि बाजार में पचास तरह की इसके बारे में बातें हैं ये दुनिया कैसी बनी ऐसे रैंडमली बन गई कहा से आई इट्स कम्स फ्रॉम नथिंग जस्ट वैसे ही एक जीरो से आ गया किसी को लगता है जैसे कि रिलीजियस लोग कहते हैं भगवान ने चाहा और वो सात दिन में संसार बना दिया किसी को लगता है भगवान ने बनाया क्योंकि उसको वो बोर हो रहा था बैठे बैठे एंटरटेन करना था तो इसलिए बना दिया तो अलग अलग तरह के कंसेप्ट है और क्या क्या कंसेप्ट है श्वेता श्वेतर उपनिषद का जो पहला चैप्टर है और उसकी जो पहले दो श्लोक है वो उसको सब इकट्ठा करता है आज की बात नहीं पांच हजार आठ हजार साल पहले उन्होंने ये कलेक्ट किया है कि लोग यूनिवर्स कैसे बना क्या है उसके बारे में क्या क्या सोचते थे आज भी वही सोचते हैं क्या कहते हैं कहते तो हैं काल स्वभाव नियतिरिय दृ योनि पुरुष इति चिंत्यम संयोग नवात्म भाव आत्माप्य सुख दुख हेतु कुछ लोग मानते हैं ये जो दुनिया है ना इसके बैकग्राउंड में इसका जो मूल है वो टाइम है मतलब टाइम मतलब एक टाइम आया सब बन गया एक टाइम आएगा सब खत्म हो गया इट टाइम इज द मेन थिंग कुछ लोगों को लगता है नहीं लॉ ऑफ नेचर है नेचर का अपना एक लॉ है वो उसी से सारा दुनिया फंक्शन करता है कुछ लोगों को लगता है नहीं नियति कोई फेट है कोई लक है कोई अनसिन पावर है जो इसको बनाता है बनाया है यूनिवर्स को कुछ लोगों को लगता है ये यदृच्छा है बाय चांस है बहुत सारे साइंटिफिक थ्योरी भी है बाय चांस थ्योरी रैंडम पर ये जस्ट रैंडमली हो गया बाय चांस दुनिया बन गई कुछ लोगों को लगता है भूतानी ये जो फाइव एलिमेंट्स जो हमें दिखते हैं, जो दिखते हैं। <laughs> ये हवा है पानी है आकाश है इन्हीं से दुनिया बनी है और कुछ लोगों को लगता है पुरुष पुरुष मतलब आत्मा आत्मा ही संसार का मूल है कुछ लोगों को लगता है नहीं इन सबका संयोग कॉम्बिनेशन से दुनिया बनी है उसमें चांस भी है उसमें लक भी है उसमें आत्मा भी है जो सब जो सब समझौतावादी तुम भी अच्छे वो भी अच्छा वो मिल सब मिलके बन थ्योरी है ये सब मिलजुल के बना है। कुछ लोगों को लगता है ईश्वर नहीं है अनिशा द होल वर्ल्ड इज अनिशा अनिशा मीन्स विदाउट एनी मास्टर इट इज ए मास्टर लेस क्रिएशन तो ऐसे अनेक तरह की जो कंसेप्ट है वो चलता है आज भी चलता है इसीलिए जिज्ञासा जानने की इच्छा बढ़ी और उपनिषदों में तो हमें कितने गुरु शिष्यों के डायलॉग में मिलता है पूछते रहते गुरु जी बताओ आपका क्या ख्याल है जैसे श्वेता क्षेत्र उपनिषद में पूछा ये शिष्य ही पूछता है कि इतने इतने सारे लोग कहते हैं आप क्या कहोगे कठोपनिषद में नचिकेता यम को पूछता है कि कुछ लोग कहते हैं कुछ है इसके बिहाइंड में कुछ कहते हैं कुछ भी नहीं है तो ये जो मार्केट में इतने सारे थ्योरी चलते हैं मीडिया में इतने सारे कंस्पिरेसी थ्योरी चलते हैं कौन बनेगा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट तो इसका सल्यूशन बताइए आप तो व्हाइट हाउस के अंदर आने जाने वाले व्यक्ति हैं आपको ज्यादा पता होगा कि आगे क्या होने वाला है तो इसीलिए ये जिज्ञासा बड़ा कॉमन जिज्ञासा है जिज्ञासा क्लियर हुई ना जिज्ञासा तो पता हुआ ना डिजायर टू नो ये बहुत कॉमन जिज्ञासा है और बड़ा यूनिवर्सल जिज्ञासा है उसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए डिस्कस करने के लिए ये जो पाथ ऑफ इंक्वायरी बनाई गई वो परमात्मा क्या है नहीं है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अगला है अथ किसके बाद कुछ तो हुआ होगा ना किसके बाद जब आपके अंदर क्वेश्चन उठते हैं बच्चे के अंदर भी क्वेश्चन उठता है बड़ों के अंदर भी उठता है तो आप कुछ एक्सप्लोर करते हैं आपने कुछ पढ़ा लिखा सुना आपने जब बहुत कुछ पढ़ लिया सुन लिया चर्चा कर लिया आपको आंसर नहीं मिला तो फिर आप कहीं आते हो पूछने के लिए कोई भी ग्रंथ पढ़ने के लिए कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी एबिलिटी या वर्थ, वर्थ सोना चाहिए जो आप उस शास्त्र को पढ़ सकते हो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा कुछ नहीं सुना कुछ नहीं जाना सीधे आ गए तो नहीं आपको जैसे आप, आप कुछ क्वालिफाई करना चाहिए तो आपने कुछ पढ़ा लिखा सुना जाना थोड़ी बेसिक बनाया फिर आपने जिज्ञासा कर हमसे की तो हम आपको आंसर देंगे एक सीधा बच्चा आ जाएगा दस साल का बच्चा मुझे पूछेगा कि बताइए ये भगवान कौन है परमात्मा कौन है तो मैं इसको क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा भगवान ऐसे ही हैं जैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए है ऐसे संसार के लिए भी कोई है तो वो ज्यादा सवाल पूछेगा मैं आंसर नहीं दे सकता क्योंकि वो बच्चे के लेवल का अंडरस्टैंडिंग मुश्किल होगी उसको कुछ क्वालिफाई करना पड़ेगा इसको समझने के लिए जैसे आप इंजीनियरिंग करते हैं डॉक्टरी करते हैं कुछ तो क्वालिफिकेशन लेते हैं ना? शब्द का अर्थ है, जब आप ब्रह्म को जिज्ञासा जो आप कर जो आपके अंदर क्वेश्चन उठता है उस क्वेश्चन को आंसर जो देगा उस आंसर को समझने के लिए आपके अंदर एबिलिटी आ गई है तब आप आकर पूछने आना मेरे पास उपनिषद में तो पिप्पलाद ऋषि तो उनके पास कुछ लोग आए छह लोग आए कि जी हमें हमने तो बहुत पढ़ा लिखा है बहुत कोशिश की जानने के लिए पर अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है कुछ आप बताइए ब्रह्म क्या है आत्मा क्या है परमात्मा क्या है उन्होंने बोला अच्छा ऐसा करो अब एक साल तक ना हमारे गुरुकुल में रहना और ब्रह्मचर्य का पालन करना हमारी जो भी यहाँ आश्रम के नीति नियम है उसको पालन करना फिर एक साल के बाद यही प्रश्न मुझे दोबारा पूछना मुझे अगर आता होगा ना बता दूंगा ध्यान दीजिए आपको लगेगा इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि देखो भाई मुझे आता है नहीं आता है दैट्स सेकेंडरी थिंग अरे अगर मुझे आता हो और मैंने आंसर दिया और आपके पल्ले नहीं पड़ा अगर पल्ले पड़ा भी आपने मैंने बताया तो लाल ला और आप समझ गए हरा जैसे कि जनरली होता है तो इसीलिए यू हैव टू क्वालिफाई फॉर इट देन कम अगर मुझे आंसर आता होगा मैं दूंगा तो कम तुम्हारे तुम तुम्हें सीधा पहुंच जाएगा अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं कम से कम तो क्वालिफाई तो कर जाओ मुझे मेरे, मेरे से आंसर नहीं मिलेगा और किसी से आंसर मिल जाएगा बट यू नीड टू क्वालिफाई जिज्ञासा करेंगे सवाल है कि ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे अब ब्रह्म क्या है मैं क्यों बताऊं जब उन्होंने आपको ब्रह्म के बारे में क्वेश्चन पूछना है तो हम पूरे ब्रह्म सूत्र ही पढ़ेंगे मैं क्यों बताऊं भाई वो तो वादरायण ऋषि बताएंगे अब ब्रह्म क्या है अब ए अगला सूत्र लेते हैं जन्माद्यतः तो उसमें तीन शब्द है जन्मादि फर्स्ट प्लस अस्य सेकंड थर्ड यत तो तीन वर्ड्स में से पहला वर्ड लेंगे जन्मादि जन्म समझते मोस्टली हिंदी में आप समझ जाते हैं जन्म मतलब ओरिजिन पैदा होना आदि मतलब एटसेट्रा अब एटसेट्रा से क्या मतलब है किसी भी वस्तु का वो सेंटिएंट हो या इनसेंटिएंट हो तीन बेसिक स्टेट होता है क्या पैदा होना पैदा होने के बाद एग्जिस्टेंस में आना सस्टेन करना सस्टेन करने के बाद फिर मर जाना यही है ना तीन स्टेट सबका है ईट ईंट बनेगा फिर सस्टेन करेगा फिर नष्ट हो जाएगा यूनिवर्स बन, बन बन रहा है सस्टेन कर रहा है फिर डिजॉल्व हो रहा है हम पैदा हो रहे हैं सस्टेन कर रहे हैं फिर मर रहे हैं, तो तीन बेसिक स्टेज है आदि में वही आता है जन्म स्थिति प्रलय, क्रिएशन सस्टेनेंस एंड ये तीन स्टेट है बेसिक तीन स्टेज है, सभी का पूरे यूनिवर्स में सेंटिएंटो हो, हो सबके तीन अवस्थाएं हैं। ये जो तीन अवस्थाएं हैं ओरिजिनेशन सस्टेनेंस और डिजोल्यूशन ये तीनों अस्य ऑफ दिस वर्ल्ड ये ष्ठी विभक्ति है जिसका मतलब होता है इसका इसका मतलब किसका जो हमें दिखाई दे रहा है हमें क्या दिखाई दे रहा है पूरा यूनिवर्स यूनिवर्स में मैं आता हूं कि नहीं आता हूँ डेफिनेटली यू आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज यूनिवर्स जब कहते हैं इसका इस यूनिवर्स का इस यूनिवर्स का मतलब भी इसमें फोन भी आता है बुक भी आता है मैं भी आता हूं सूरज भी आता है चांद भी आता है गैलेक्सी भी आता है सब कुछ आता है एवरीथिंग तो अस्य जन्मादि इस पूरे संसार की जो जन्म स्थिति प्रलय ये यतह से आता है या जिसके कारण से आता है उसी को ब्रह्म कहते हैं यहां दिया नहीं कि इसको ब्रह्म कहते हैं ये तो मैंने जबरदस्ती आपको समझाने के लिए बोला सूत्र में सूत्र जितना कहता है हमें उतने में रहना चाहिए तो ये नहीं कहा कि ब्रह्म है उसने सिर्फ कहा जिस ब्रह्म की तुम जिज्ञासा हम कर रहे हो वो वही है जिससे संसार की जन्म स्थिति मतलब ओरिजिनेशन सस्टेनेंस और डिजोल्यूशन होता है वो उसी वही ब्रह्म है अच्छा एक बात बताइए जब आपको कोई पूछता है ना किसी के बारे में कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताइए आपने कहा कि आप अगर दिल्ली जाओगे तो वहां एक मेरा फ्रेंड है उसका नाम देवदत्त है उससे मिलके आना वो चांदनी चौक में रहता है पर आप थोड़ा हुलिया तो बताएंगे ना कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा क्या होगा ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसको संस्कृत में हम बोलते हैं लक्षण ये दर्शन शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट होता है लक्षण दो तरह का होता है तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण होता है आप ओवरऑल हुलिया बताते हो ये पांच फुट साढ़े पांच पूछ का होगा थोड़ा मोटा सा होगा बाल आधे उड़ गए होंगे है ना? और उसके ऐसे ऐसे कुछ कुछ आप ऐसे डिस्क्रिप्शन बताओगे कि उसको देखते ही समझ में आ जाए इसको कहते हैं स्वरूप लक्षण एक होता है तटस्थ लक्षण वो क्या है ये उसकी मतलब वो किससे जाना जाता है उसका एक कपड़ों का दुकान है या वो चांदीन चौक का एमएलए है या वो म्यूनिसिपालिटी में इंजीनियर है वो तो कुछ तो आप बताएंगे ना उसकी वो क्या उसकी क्या एक्टिविटी है किस तरह की उसकी जो सर्कल है सराउंडिंग है वो भी आप बताते हैं तो ये दूसरे टाइप का लक्षण होता है पहला लक्षण है स्वरूप लक्षण इस सूत्र में कौन सा लक्षण बताया होगा आपको क्या लग रहा है क्या आपको लग रहा है उसने ईश्वर का स्वरूप बताया यहां ब्रह्म का नहीं बताया ना तो ये स्वरूप वाला लक्षण नहीं है अच्छा ईश्वर का स्वरूप क्या है हम जानते हैं सत्य चीज आनंद है सत्य समझते हैं। एक है, है, ब्लिस है, और एक है सत्यम ज्ञान अनंतम एग्जिस्ट इटर्नल है है और अनंतम इंफिनिटी है तो ऑल आर परमात्मा के स्वरूप लक्षण उसकी जो ओवरऑल जो जिसको कहते हैं ना जो कैरेक्टरिस्टिक है पर ये जो बताया वो तटस्थ लक्षण जो उसकी जो एक्टिविटीज है जिससे तो जिस मिलने जा रहा हूं वो है कौन कोई एरागेरा ना से क्यों मैं मिलने जाऊं मतलब कुछ तो बताओगे ना ये मेरा पापा है ये मेरा चाचा है ये मेरा फूफा है अगर आपका कुछ नहीं तो नेता है ये पैसा वाला है गरीब है कुछ तो मतलब पहले ये बताओ जब ये बता दोगे तो फिर मेरे अंदर इंटरेस्ट जगेगा कि अच्छा बताओ चलो फिर मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा मैं आपको बताऊंगा फिर जब आप कहोगे अच्छा मुझे मिलना है फिर बताओ उसका हुलिया क्या फिर मैं आपको उसकी ओवरऑल आइडेंटिटी बताऊंगा पहले ये तो पता चलेगी उसकी क्या है मैं मिलू उससे क्यों मिलू तो ये वही है क्यों ब्रह्म के आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो वो ब्रह्म क्या है इंस्टिट ऑफ नोइंग ब्रह्म का क्या स्वरूप है फर्स्ट नो की ब्रह्म करता क्या है तो बोला वो ब्रह्म इस संसार का जन्म आदि क्रिएशन सस्टेनेंस और जो डिजोल्यूशन है वो वहीं से होता है इसमें अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है और ये दोनों इंटरप्रिटेशन आपके सामने रखेंगे जो लोग संस्कृत जानते हैं उनके लिए थोड़ा इजी होगा जो नहीं जानते तो कोई बात नहीं मैं उनको समझा दूंगा इसमें एक शब्द आया है प्रॉब्लम है यत ये जो यतः है ना यत ये यतः का मतलब फ्रम हुईच तो जब फ्रम हुईच कहते हैं संस्कृत में इसको पंचमी विभक्ति लगाते हैं अब पंचमी विभक्ति दो अर्थ में लगता है एक होता है इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट फर्स्ट मीनिंग और इट इज बिकॉज ऑफ दैट कॉज के कारण भी फिफ्थ केस होता है और ओरिजिनेशन का सोर्स होने से भी फिफ्थ केस होता है जिन लोगों को जैसे आगे जाकर जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन हुए और आप लोग सब जानते हैं कि वो वेदांत वाले दावा करते हैं कि ये सारा संसार ब्रह्म है ब्रह्म से पैदा हुआ वो इसीलिए ये कंफ्यूजन है उन्होंने इसका अर्थ निकाला ब्रह्म से पैदा हुआ मतलब ब्रह्मा इज़ द मैटेरियल कॉज द होल यूनिवर्स इज इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रह्म दैट मीनस ब्रह्म इज द मैटेरियल कॉज पर इसका जो दूसरा साइड को इग्नोर कर गए हम दोनों पर आएंगे वो है कि ऑल दीज आर कॉज बाय गॉड कॉज मीनस यहाँ जो दूसरा कॉज होता है निमित्त कारण जो एफिशियंट कॉज ईश्वर के कारण ईश्वर ही संसार को पैदा करने बनाने और नष्ट करने का प्राइमेरी कॉज है पर संसार बना किससे संसार बना नहीं संसार मैनिफेस्टेशन है संख्य दर्शन में आप पढ़ते हैं ना तो वो गीता में भी पढ़ा है जिन लोगों ने गीता क्लास की उनको भी पता है मैनिफेस्टेशन को हम क्या कहते हैं विकृति है विक्रती। ना विकृति मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट उसका ओरिजिनल जैसे आप स्टील का घर बनाते हैं स्टील के बर्तन बनाते हैं स्टील के हजारों चीजें बनाते हैं। वो उसकी जो ओरिजिन कहां से है आयरन सो आयरन इज अ मेटेरियल कॉज ऑफ ऑल टाइप ऑफ जो भी आयरन या स्टील से रिलेटेड चीजें हैं पर क्या आयरन से अपने आप स्टील बन गया अपने आप बर्तन बन गए घर बन गया नहीं ना कोई दूसरा भी है ना जो आयरन को मॉडिफाई करता है पहली चीज ध्यान दीजिएगा कोई दूसरा होना चाहिए और वो दूसरा जिसमें इंटेलेक्ट हो क्योंकि जड़ इंसेंटिएंट में तो इंटेलेक्ट है नहीं है वो कैसे उसको मॉडिफाई करेगा नंबर टू जो जड़ है जो मैटर है इंसेंटिएंट है उसमें डिजायर भी नहीं है क्यों बनाएगा भला उसको जरूरत क्या है जरूरत किसको है आपको है क्योंकि आपके अंदर एक चेतना है आपको घर चाहिए आपको गाड़ी बनाना है आपको वो चाहिए फैक्ट्री चाहिए बिकॉज यू नीड इट सो यू हैव टू ट्रांसफर इट यू हैव टू ट्रांसफर्म इट यू हैव टू इट बेस्ड ऑन योर ओन नीड तो आपका डिजायर होना जरूरी है नीड है ना और नंबर टू आपको पता है कि आप इसको कैसे डिजाइन करोगे आयरन तो बेचारा अपने आप तो बदल नहीं सकता कोई दूसरा इंसेंटिएंट जड़ तत्व तो उसको बदल नहीं सकता इसीलिए इस संसार का मूल हम क्या मानते सांख्य दर्शन प्रकृति कहता है पर हमारे सभी शास्त्रों में इसको प्रकृति नहीं बोलते वेदों में उसका नाम है अदिति वो तो जो अदिति है या प्रकृति है वो पूरे मैटेरियल वर्ल्ड का मैटेरियल कॉज है तो वो परमात्मा जो क्योंकि वो चेतना है सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस सोर्स ऑफ नॉलेज तो वो प्रकृति को प्रेरित करता है और परमात्मा को चाहिए क्या चाहिए कि सृष्टि बने एको हम बहुत सीक्षता वो, वो उपनिषदों में अपनी स्टाइल में कहते हैं सृष्टि के आरंभ में जब कुछ नहीं था परमात्मा ने किया तो का सिंपल होता है तो अब परमात्मा सोचता थोड़ी मतलब जो उसके अंदर पैदा होने की जो हलचल पैदा हुआ तो प्रकृति के अंदर उसने हलचल पैदा किया हलचल समझते जो मूवमेंट जब तक मूवमेंट नहीं होगा तो फिर क्रिएशन की शुरुआत कैसे होगी है ना ऑलवेज रिमेम्बर जो एक्शन है वो तो उसके लिए मूवमेंट पहले चाहिए तो मूवमेंट पैदा हुआ तो प्रकृति या अदिति में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा हलचल पैदा होने लगा धीरे धीरे जो भी हुआ तो परमात्मा ओरिजिनेटर है बट वो एफिशिएंट कॉज है न कि मैटेरियल कॉज है जब आप मैटेरियल कॉज मानोगे जैसा कि बहुत सारे इंटरप्रिटेशन में मानते हैं उसे प्रॉब्लम क्या होता है प्रॉब्लम होता है कि अगर परमात्मा से संसार बना होगा तो संसार परमात्मा के तरह ही गुण गुण कर्म वाला होगा ना मतलब जो आयरन से बने हुए स्टील है वो स्टील में आयरन की प्रॉपर्टीज होगी या नहीं होगी होगी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं पर बेसिक प्रॉपर्टी तो वही रहेगी ना मिट्टी का घड़ा और आयरन का घड़ा और गोल्ड के घड़े में बेसिक अंतर क्या है बेसिक अंतर है जो उनकी मेटेरियल कॉज है उनमें जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है वही डिफरेंस उनके घड़े में भी मिलेगा मिट्टी बड़ा फ्राजाइल है तो मिट्टी का घड़ा भी फ्राइजाइल होगा गोल्ड बड़ा शाइनिंग है स्ट्रांग है तो गोल्ड का बना हुआ घड़ा भी शाइनिंग होगा येलो कलर का होगा वो भी स्ट्रांग होगा मेरी बात समझ में आती है तो वो गुण दोष उसमें आता है ना नहीं अगर परमात्मा ओरिजिन है परमात्मा मैटेरियल होता तो यह यूनिवर्स भी परमात्मा के तरह बनता ना क्या परमात्मा क्या है चेतना तो फिर सारा यूनिवर्स चेतना होता ईंट भी पत्थर भी सूरज भी क्योंकि मैटेरियल काज परमात्मा है जो ज्ञान परमात्मा में ज्ञान है तो सारा मैटेरियल वर्ल्ड में ज्ञान दिखता ऐसा नहीं है इसीलिए परमात्मा है इस सूत्र के अनुसार हिरण्य गर्भ समे भूत जाता पतिरेक आसित उसमें एक शब्द हिरण्य गर्भ हिरण्य का मतलब समझता है वह हिरण्य का डिक्शनरी मीनिंग है गोल्ड सोना पर सूरज को भी हिरण्य कहते हैं अब सूरज सोना थोड़े ये चमकीला शाइनिंग है ना शाइनिंग तो जो चमकीला है ज्योति जो ब्रिलियंस है परमात्मा को हिरण्य गर्भ कहते हैं आपको पता है हिरण्य गर्भ का जो सेंस है वो है वो परमात्मा जिसके गर्भ में प्रकृति यूनिवर्स समाया हुआ है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है वो एक होता है कि दो होती है दो लाइफ होता है ना तो एक लेडी जो प्रेग्नेंट है एक तो खुद है और उसके अंदर और एक चीज है इसीलिए हम इसको कहते हैं अंत सत्व गर्भिणी संस्कृत में जो बोलते हैं गर्भ तो परमात्मा को हिरण्य गर्भ परमात्मा कहा है सर्वव्यापक है सब जगह है ऑल पर बेटिंग है प्रकृति जो यूनिवर्स है ये जो होल कॉस्मिक जो जो कॉस्मस है वो कहां है परमात्मा के अंदर है पर प्रलय स्थिति में जो यूनिवर्स है वो डोरमेंट स्टेज में है उसको गर्भ ने ही कहा मतलब बच्चा पैदा होने से पहले माँ और बाप में उसकी पोटेंशियल होता है ना नहीं होता है होता है ना पर थोड़े ये कि आप एक लेडी को जिंदगी भर कहते हो कि आप गर्भिणी हो गर्भिणी हो गर्भिणी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट ओके आप गर्भी कब बोलते हो जब वो पोटेंशियल रियलिटी में एक एक फॉर्म लेने लगता है एक प्राणी का फॉर्म लेने के प्रोसेस में होता है ध्यान दीजिए जब प्रकृति से विकृति यूनिवर्स अपने फॉर्म लेने की प्रोसेस में होता है अच्छा वो जो जो कुछ फॉर्मेशन चल रहा होता है कहां चल रहा होता है वो परमात्म जो यूनिवर्स है उसका जो सबस्ट्रैटम क्या है किस पर टिका हुआ है किसमें रहता है ये ब्रह्म में ब्रह्म में क्योंकि वैक्यूम में तो कोई रहता नहीं ना अगर कहोगे कॉस्मस से बाहर भी एक कॉस्मस है जिसमें कॉस्मस रहता है फिर तो डबल कॉस्मस हो गया <laughs> फिर कहेंगे वो कहाँ रहता है कहेंगे आप एटे, एटे, तो कौस, परमात्मा सर्वव्यापक है तो सब कुछ उसके अंदर है प्रकृति भी उसके अंदर है ठीक है परमात्मा ने चाहा कि सृष्टि हो समय आ गया तो प्रकृति के अंदर हलचल पैदा होता है वो जो हलचल पैदा हो रहा है वो कहाँ हो रहा है परमात्मा के अंदर ही हो रहा है सब कुछ समुंदर के अंदर एक मछली है अगर आपको समझ में नहीं आया देखिए एक मछली है मछली है तो है मछली का सबस्ट्रेटम सी है पर मछली प्रेग्नेंट हुई कहा हुई समुन्द्र में ही हुई ना तो अब समुद्र जो है वो जो गर्भिणी मछली का सबस्ट्रेटम वही है जब गर्भिणी नहीं थी तो भी वही आधार था जब गर्भिणी है तो भी वही आधार है मेरी बात क्लियर हो रही है दे, दे। इसी तरह जब प्रकृति अपनी मूल अवस्था में है जहां सृष्टि का कोई चिन्ह वर्ण नहीं स्टेज में है तो भी परमात्मा में है जब कॉस्मास बन बन चुका होता है तो भी हम सब परमात्मा में है जब बनने की प्रोसेस है तो भी हम उसी के अंदर है जब बनने की प्रोसेस में होता है प्रकृति एतो परमात्मा के अंदर तो वेद उसके लिए एक अलंकारिक शब्द अलंकारिक समझ नहीं इसको कहते हैं मेटाफोरिकल वर्ड यूज करता है अच्छा वेद और उपनिषद वगैरह ना उनको आप कभी लिटरलरी नहीं समझ केंगे वो बड़ा मेटाफोरिकली यूज करते हैं बड़ा पोएटिक वे में बात करते हैं तो और, और ने उसके लिए।, लिए शब्द दिया हीरानिया गर्भ हां ऑर्नामेंटल मतलब जैसे आप हां हां मतलब जैसे आप कहते हैं एक सुंदर सी लड़की लड़की है मतलब उसका मुंह बड़ा सुंदर है तो नॉर्मल भाषा कहते दे, देखो चांद है मतलब चांद का मतलब थोड़ी कि वो उसके अंदर मिट्टी पहाड़ और सब आ गया तो नहीं जस्ट मिट्टा जैसे चांद सुंदर लगता है उसका मुंह सुंदर है ना तो हिरण्य गर्भ का मतलब ये नहीं कि परमात्मा गर्भिणी हो गया नहीं नहीं, नहीं तो जस्ट समझाने के लिए कि वो प्रकृति की जो प्रोसेस है वो भी परमात्मा के अंदर ही हो रहा होता है परमात्मा के कारण से तो जब हिरण्य गर्भ शब्द होता है कंपोजिट टर्म फॉर बोथ गॉड एंड प्रकृति समझ में प्रकृति विकृति के ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में है कहाँ है उसका सबस्ट्रेटम क्या है परमात्मा है ठीक है, तो, है आचार्य जी हिरण्य हिरण्य का सिंपल लिटरेरी मीनिंग है सोना गोल्ड गोल्ड मतलब अगर आप लिटरेरी ट्रांसलेशन करेंगे कि गोल्डन ओम <laughs> तो गोल्डन का मतलब यहाँ जनरली संस्कृत में गोल्ड शाइनिंग के लिए भी यूज होता है जैसे चांद मून संस्कृत पोएट संस्कृत के या इंडियन पोएट लोग चांद को हमेशा मून के अर्थ में यूज नहीं करते खूबसूरती के लिए भी यूज करते हैं बिल्कुल शाइनिंग तो के तो यहाँ शाइनिंग वोम शाइनिंग ओम मतलब अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है तो आप तो लोग आजकल कॉस्मोलॉजी सब थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं कि जब ये यूनिवर्स एनर्जी से मैटर की ओर कन्वर्ट होता है तो सबसे पहले एनर्जी क्या चीज है ये जो आप पढ़ते हैं बिग बैंग तो बिग बैंग तो चलो गलत है सही है दैट्स अ डिफरेंट थिंग बैंग हुआ कि नहीं हुआ इट्स अ डिफरेंट थिंग तो जो एनर्जी का एक्सप्लोरेशन है वो क्या चीज है वो जोती है, जोती है, वो ज्योति ज्योति है वो है है ब्रिलियंस वही फिर धीरे धीरे आपके गैलेक्सीज बनते हैं फिर उसमें स्टार्स आते हैं फिर उनमें से प्लैनेट्स बनते हैं फिर उसमें कोई प्लैनेट ठंडा ठंडा हो होकर नॉर्मल होता है फिर ठंडा होने के बाद फिर उसके अंदर प्रोसेस होता है तो आप लोग पैदा होते हैं दुनिया चलती है पर पहली चीज तो वही है ना आता है शाइनिंग चीजें है ना स्टार्स प्लान ये सब आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें